लल ताजमहल को माइनक्राफ्ट में बनाने के बाद मुझे काफ़ी अच्छी व्यूज आई, आई मीन नॉट रियली, बट इस चीज़ को देखते हुए मैं बनाने वाला हूँ आज आईफल टावर, वो भी एमरल्ड का। तो पूरी वीडियो देखते रहना एंड ट्रस्ट मी, इसका एंड रिजल्ट बहुत ही बढ़िया था, क्योंकि इसे मुझे बनाने में ओवर 150 डेज लग गए, वो भी माइनक्राफ्ट डेज। तो जैसे कि तुम्हें पता है कि आईफिल टावर कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, आई मीन वो सेवन वंडर्स में से आता है, तो उसको बनाने के लिए मुझे बहुत सारा यू नो मटेरियल भी चाहिएगा। तो सबसे पहली जो चीज़ मेरे को चाहिए होगी वो होगी बहुत सारा आयरन, आई मीन बहुत सारा, एंड उसके लिए मैंने एक आयरन फार्म सोचा हुआ है एंड वो है ये वाला। इसको बनाने के लिए मेरे को बहुत सारा डीप स्लेट भी चाहिएगा, तो चलो डीप स्लेट माइनिंग के लिए चलते हैं। ओके, तो आ गया मैं एंड यहाँ पे शल्कर रख के एंड अब माइनिंग शुरू करते हैं, लेट्स गो। ओके, तो मेरा डीप स्लेट का काम हो चुका है। जो मेरे को नेक्स्ट मटेरियल चाहिए वो है पॉलिश्ड ग्रेनाइट एंड सम कंक्रीट पाउडर। वैसे मेरे पास जो पहले स्मूथ स्टोन पड़ा था मैं उसकी स्लैब्स बना चुका हूँ। ओके, तो मेरे पे कुछ ज्यादा ग्रेनाइट है नहीं, तो मेरे को माइनिंग करना पड़ेगा ये अब। ओके, ग्रेनाइट भी कलेक्टेड। भाई मैं कंक्रीट लेने नहीं जा रहा, मैं नॉर्मल ब्लॉक्स यूज कर लूंगा। एनीवेज गाइस, मैं अब सारे यू नो मटेरियल कलेक्ट करके अब डायरेक्ट फार्म को बनाने वाला हूँ, क्योंकि इतने सारे मटेरियल्स हैं नहीं। एंड यस, मैंने कंक्रीट भी पाउडर बना ही लिया, आई मीन पता नहीं क्यों। ओके, एनफ टाइम पास हो गया एंड अब सीधा फार्म बनाते हैं, मटेरियल्स कलेक्ट हो चुके हैं। ओके गाइस, सो लेट्स गो, अब बनाते हैं डायरेक्ट फार्म को एंड यू एंजॉय द टाइम लैप। फार्म भी बन गया, लेकिन मेरे को अभी इसके अंदर विलेजर्स भी लाने हैं। चलो पहले इनके बीच थोड़ा संपर्क करा लेते हैं। अरे मैं ये दो विलेजर्स को ले जाता हूँ ना, जो आई मीन बहुत पहले से यहाँ पे, मैंने सोचा था इनको लेके जाऊंगा बट मैं कभी लेके ही नहीं गया, यू नो आलस। ये लो सालो, ठूस लो, मर लो सालो, तुम बेशर्मो। भाई मैं डंब हो गया थोड़ा, मैंने भाई बेड्स तो लगाए नहीं, अब देख कैसे ब्रीड करेंगे ये। तो एक विलेजर को हमने चुरा लिया, दिस इज व्हाट वी कॉल सरप्राइज अडॉप्शन। ओके, तो सरप्राइज अडॉप्शन का सेकंड मेंबर आ गया है। ओके, अभी मेरे को इनको ट्रांसपोर्ट करना है बस। एक विलेजर में ले आया हूँ एंड अब बारी है दूसरे विलेजर की। ओके ब्रो, तेरा भी नंबर आ गया, लेट्स गो। ओके, अनदर मेंबर डन, अब इनकी ब्रीडिंग कराने वाला हूँ मैं यहाँ पे बुला के सबको। ये पहला बच्चा हो गया, लेट्स गो। ओह माय गॉड भाई, ओवर पॉपुलेशन, भयंकर लेवल, ओह माय गॉश। ओके बच्चे, बारी बारी आ जाओ, आ जाओ आ जाओ। अबे साले कहाँ जा रहा है पागल, बेशरम विलेजर। अरे भगवान, रुको रुको रुको, हाँ नाइस, बेशरम विलेजर, हद है भाई। सारे विलेजर्स को ट्रांसफर करने के बाद जब मैं अपना फार्म पूरा कंप्लीट कर चुका था, तब मैं AFK करने का ट्राई करता हूँ एंड उसके बाद मेरे को बहुत बड़ा धोखा लगता है। ओके गाइस, तो अब मेरा दिमाग खराब हो रहा है, क्योंकि ये फार्म बहुत ही कम प्रोड्यूस कर रहा है आयरन एंड अब मेरा मन भी नहीं कर रहा बनाने का एक और फार्म। तो अभी मैं एक रेड फार्म बनाने वाला हूँ बिल्कुल नया, क्योंकि मेरा जो पुराना रेड फार्म वो थोड़ा हैंग होता है। तो सबसे पहले ये एमराल्ड्स को कलेक्ट करते हैं एंड देन रिमूव करते हैं हमारा सबसे पहले रेड फार्म। मैं एक नया सॉर्टिंग सिस्टम बना रहा भाई, मेरी पता सारी स्टोरेजेस फुल हो चुके हैं यार, आई मीन मैं बहुत सारे बस चेस्ट प्लेस करने वाला हूँ और कुछ नहीं। ओके, तो जो हमारा रेड फार्म का सामान है वो मैंने सारा यहाँ पे शिफ्ट कर लिया एंड अब मैं रिमूव करने वाला उसका स्टोरेज सिस्टम, तो लेट्स गो। सो गाइस, फाइनली हमारा फार्म बन चुका है एंड अब मेरे को थोड़े और मटेरियल्स कलेक्ट करने पड़ेंगे फार्म के लिए, क्योंकि मेरे पास सफिशिएंट नहीं है। ऑफ कोर्स मैंने फार्म तोड़ा है बट सारे मटेरियल्स मेरे को नहीं मिले हैं। तो जो मटेरियल ज़्यादा क्वांटिटी में थे वो मैं ऑलरेडी कलेक्ट कर चुका हूँ, तो अब बाकी छोटे मोटे मटेरियल्स रहते हैं।
भाई बाकी सारे मटेरियल्स तो मेरे पास ऑलमोस्ट पड़े हुए हैं, तो आई गेस अब मैं डायरेक्ट बनाने वाला हूँ अपना फार्म। ओके तो भाई सारे मटेरियल्स कलेक्ट हो चुके हैं, तो अब ये फार्म बनाने की, तो लेट्स गो। गाइस हमारा पूरा फार्म बन चुका है एंड अब बारी है इसके अंदर विलेजर्स लाने की, एंड मैं केल्प वगैरह भी ले आऊंगी क्योंकि मेरे को यहाँ पे ये लिफ्ट का सिस्टम अनलॉक करना पड़ेगा सबसे पहले। विलेजर्स भी डन, अब मेरे को पिलेजर का एक इफेक्ट लेके आना है बैड ओमन का। तो पिलेजर्स व्हाट्स अप, कैसे हो? हमारा कैप्टन कहाँ पे है? क्या घर पे? हेलो कोई है? अरे सर कैसे हो? हेलो डाय सर डाय, नेवर माइंड। ओके तू भी मर जा भाई। नाइस भाई, इस टावर पे मेरे को इतनी देर हो गई भाई, एक कैप्टन स्पॉन नहीं हुआ है। वेट यहाँ पे ना एक और वो है पिलेजर टावर, मैं वहाँ पे जाने वाला हूँ एंड वहाँ पे ट्राई करने वाला। लो भाई आते ही मिल गए यहाँ पे कैप्टन, देख रहे हो तुम किस्मत भाई यहाँ की। भाई मैं बता रहा हूँ वो टावर ही कर्ज था। अब चलते हैं भाई अपने AFK सेशन पे। ओह भाई देख रहे हो भाई तुम, अभी मेरे को कुछ मिल नहीं रहा इतना, लेकिन भाई जिस हिसाब से मेरे को नॉइजेस आ रही है ना एंड तुम सब टाइटल्स देख सकते हो साइड में, भाई पता चल रहा है कितना सही वर्क कर रहा है फार्म भाई। पहले वर्क नहीं कर पाता था इतना, बट अब कर रहा है। डैम लूट के लिए मैं कहूँगा काफ़ी अच्छी है फॉर नाउ, क्योंकि मैंने सिर्फ देखो मैं 7 XP था एंड मैं नाउ 55 XP हूँ, तो लूट बहुत ही अच्छी है। वेल मेरे को अब इसको सॉर्ट करना है एंड इसके आगे एक नया सॉर्टिंग सिस्टम लगाना है पूरा। जो पहले मैंने सॉर्टिंग सिस्टम लगाया था शायद उसी की वजह से फार्म थोड़ा बंद हो गया था वर्क करना, आई डोंट नो। लेकिन अब मैं बनाने वाला हूँ एक नया सॉर्टिंग सिस्टम। भाई मेरे को सामान सॉर्ट करना सबसे गंदा काम लगता है, मेरे को पता है एक एक शल्कर ढूंढना पड़ रहा है कि किसके अंदर रिपीटर है, किसके अंदर कंपैरेटर है, आधे क्राफ्ट करने पड़ेंगे, हॉपर्स, चेस्ट। ब्रो चलो भाई तुम्हारा भाई मटेरियल्स तो ले आया, कहीं ना कहीं से तो जुगाड़ करे ही है मैंने, एंड आई होप इतने काफ़ी होंगे क्योंकि मैं जो मेरा करंट सॉर्टिंग सिस्टम है उसको बस मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, ऐसे लाइक 4 modules टाइप, तुम समझ लो ना, बस वही करने वाला हूँ मैं। लेकिन उससे पहले मेरे को इन मटेरियल्स को डिफरेंट शल्कर्स के अंदर रखना है सबसे पहले। तो जो भी मेरा रेड वार्म का AFK वाला मटेरियल था वो मैंने अपने मेन स्टोरेज पे रख दिया, तो अब बनाते हैं सॉर्टिंग सिस्टम, लेट्स गो। अरे सर बैड ओमन दे दो प्लीज, फार्म टेस्ट करना है मेरे को अपना, थैंक यू। वेल इस पर मैं होप कर रहा हूँ कि मेरा फार्म कुछ ऐसे नखरे नहीं करेगा चलते वक्त, लेट्स सी। मैं थोड़ी देर यहाँ पे AFK करने वाला हूँ एंड फिर देखते हैं कि क्या हमारा सॉर्टिंग सिस्टम वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। क्या बात, एक भी एमरल्ड नहीं आया यहाँ पे, व्हाट द हेल। वेट मेरे को चेक करना पड़ेगा। ब्र मैंने ट्रैप डोर बंद ही छोड़ दिया, नाइस भाई, अब मेरे को इसको फिक्स करना पड़ेगा। वेल गाइज हमारा फार्म पूरे तरीके से अच्छे से वर्क कर रहा है, सॉर्टिंग सिस्टम भी। तो अब बढ़ते हम अगले मटेरियल्स पे अपने। नेक्स्टली मेरे को थोड़े ग्लास की कमी पड़ रही है, तो मेरे को बहुत सारी सैंड माइन करनी पड़ेंगी, तो लेट्स गो। तो यू सी मैं एमरल्ड का आईफिल टावर बनाने वाला हूँ, तो वो बहुत ग्रीन ग्रीन होने वाला है, तो उसको मैच करने के लिए मैं लगाने वाला हूँ अंदर कुछ प्रिज्मरीन की ब्रेक्स, वॉल्स एंड एटसेट्रा। तो उसी के लिए अब मैं जाने वाला हूँ एक ओशन मॉन्यूमेंट में, लेकिन उससे पहले मेरे को बहुत सारे डोर्स चाहिएंगे। डोर्स भी हो गए हैं तो अब चलते हैं ओशन मॉन्यूमेंट में। मेरे को यहाँ से स्पंजेस भी मिल जाएंगे तो अच्छा, मैं यहाँ पे स्पंजेस भी ले ही आऊँगा। वेल सबसे पहले मेरे को वो जो भी बॉस होता है गार्डियन उसको मारना पड़ेगा एंड मैं सांस ले लेता हूँ सबसे पहले तो, एंड अब ढूंढते उसको। ब्र एक एल्डर गार्डियन तो मेरे को दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन मैं माइन करके नहीं जा सकता, मेरे को नीचे ढूल भलैया में घूमना पड़ेगा यार। ओ मिल गई भाई, मेरे को पता है 20 मिनट लगे भाई इसको ढूंढने में सिर्फ एक, अभी तो 2 और हैं शायद इसके अंदर।
ओके मेरे को दिखी लेट्स गो। सेकंड एल्डर गार्डियन, वैसे मेरे को इसको ढूंढने में 15 मिनट लगे। ओके अब इसको मारना है मेरे को बस। अरे रुको मैं सांस ले लूं, रुक जाओ। अरे ले ले सांस भाई, सांस ले ले। अब चलते इसको मारने। मर जा, डाय। ओके लेट्स गो, मर गई, डेड भाई। माइनिंग फटीक तो हटा नहीं, मतलब एक और है यहाँ पे, ये भी ठीक है। अच्छा तो ये दूसरी साइड थी ये। एनीवेज डाय। नाइस, स्पंजेस भी उठाई लेता हूँ मैं यहाँ पे, लेकिन उससे पहले सांस जरूरी है। भाई मैंने घर पे आके दुनिया भर के रॉकेट्स बना लिया क्योंकि मेरे खत्म हो गए थे, एंड मैंने थोड़ी गोल्डन कैरेट्स भी बनाई हैं। आई एम बैक बॉयज, एंड नाउ एंड अब मुझे सारे दे दो ये प्रिज्मरीन ब्लॉक्स। यो आई एम बैक विद आफ्टर लाइक डेढ़ आवर ऑफ माइनिंग सेशन, एंड या मेरे पे काफी सारे वो आ चुके हैं प्रिज्मरीन ब्लॉक्स एंड स्टफ, तो शायद इतने काफी होंगे। okay, तो अब मैं सारी चीजें क्राफ्ट करने वाला हूँ प्रिज्मरीन से रिलेटेड। ब्र प्रिज्मरीन कम पड़ गए और माइन करने पड़ेंगे। अनदर आधे घंटे की माइनिंग सक्सेसफुली डन। थोड़ा बहुत स्टोन भी चाहिए मेरे को अपना आईफल टावर के लिए। ये जो एक्स्ट्रा रेड फार्म का सामान है मैं इसको इसी के सॉर्टिंग सिस्टम वाले चेस्ट में रखने वाला हूँ। सैंड के लिए हम चलने वाले फिर से माइनिंग पे, एंड यहाँ से मैं भर भर के उठाने वाला हूँ सैंड। जितना भी आयरन फार्म पे आयरन पड़ा मैं वो सारा उठा के अपने मेन स्टोरेज पे रखने वाला हूँ। तो मेरे को बहुत ही कम मिला आयरन, एज जैसे मैंने तुम्हें बोला था, वो भी 2-3 घंटे की एफके से मिला था। वैसे देखते ही ना काफी सारे मटेरियल्स कलेक्ट हो चुके हैं। इसके बाद मैं यूट्यूब पे निकल जाता हूँ एंड सर्च करता हूँ एक बढ़िया आयरन फार्म के लिए, एंड मैं बहुत सारी वीडियोज देखता हूँ टू फाइंड अ गुड आयरन फार्म, एंड एट द एंड मेरे को एक आयरन फार्म मिलता है जो कि बहुत एफिशिएंट होता है। तो गाइस मैं ये फार्म बनाने वाला हूँ आयरन फार्म, क्योंकि पिछले वाला आयरन फार्म थोड़ा खराब सा था क्योंकि वो आयरन ही बहुत कम प्रोड्यूस कर रहा था। वेल इसके लिए मटेरियल्स कलेक्ट करते जल्दी से, लेट्स गो। पहले मैं इसकी लोकेशन सेट कर लेता हूँ जहाँ पे मुझे इसको बनाना है। प्लेटफॉर्म के लिए मैं कुछ यूज करने वाला हूँ ग्रास ब्लॉक। ओके तो प्लेटफॉर्म इज डन। ऑब्सीडियन के लिए कोई इशू नहीं आएगा मेरे को, लेकिन मैं कॉपर की जगह कोबलस्टोन यूज करने वाला हूँ। ऑब्सीडियन के लिए मेरे को इशू इसलिए नहीं आएगा क्योंकि मेरे बार्टर फार्म पे बहुत सारा ऑब्सीडियन है। तो मैं अब एक वो ग्रीन पेड़ वाली बायोम ढूंढ रहा हूँ, मुझे नाम नहीं पता उसका, जो भी है, बट हाँ मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। ओके तो मेरे को ये बायोम भी मिल गया, लेट्स गो। एंड अब मैं यहाँ से ये जो भी ट्रीज है इनको माइन करने वाला हूँ टू मेक सम ट्रैप डोर। ओके तो मैं दुनिया भर की वुड ले आया हूँ ये ग्रीन वाली, एंड अब इसके मैं ट्रैप डोर्स बनाने वाला हूँ। ओके तो सब बना लेते हैं। अबे भाई मैं मार दूंगा भाई ये क्रीपर वगैरह के। भाई सीरियसली यार कौन करता है यार, अब मैं कैसे समेटूँ इतना सामान। सारा रेडस्टोन मैं इस चेस्ट के अंदर रख देता हूँ। के नाइस भाई, कुछ भी कहो ये लीनिंग टावर ऑफ पिसाना भाई लगता तो बहुत ओपी है। फिलहाल तो मेरे पे डिसेंट अमाउंट ऑफ आयरन है तो सारा काम हो जाना चाहिए। ओके तो नाउ आई नीड सम कंपैरेटर्स। ओके मेरे पे पड़े होंगे यार, नहीं होंगे तो अभी क्राफ्ट कर लूंगा। ओके तो सारे मटेरियल्स कलेक्ट हो चुके हैं, तो चलो फार्म बनाते हैं एंड यू एंजॉय द टाइम लैप। ओके आई जस्ट रियलाइज्ड कि मैंने रिकॉर्डिंग ऑन नहीं कर रखी थी, एंड ये सारी क्लिप्स पता नहीं अब कहाँ पे है। वेल इनके लिए मैं नेम टैग लाया था ज़ॉम्बीज वगैरह के लिए, तो इनको दे देते हैं सबसे पहले। वेल इस फार्म की एक नेदर साइड भी है, तो अभी मैं इस फार्म को टेस्ट करने वाला हूँ 1-2 घंटे AFK करके। ओके तो मैंने 2 घंटे AFK किया, एंड अब चेक करते लूट। AFK करते करते मेरे को एक एडवांसमेंट भी मिल गई, लॉल भाई मैं 660 डेज पे आ गया हूँ, मेरे को ओवर भाई 90 डेज हो चुके हैं। तो मैं टेक्निकली AFK दोनों फार्म्स पे कर रहा था क्योंकि मेरे को मेरे रेंडर चंक्स में था ये वाला फार्म भी, तो मैं इससे भी लूट उठाने वाला हूँ अपनी, एंड उससे भी। ब्रो ये क्या ग्लिच हो रहा है, बट एनीवेज मैं यहाँ से सारी लूट उठा लेता हूँ चेस्ट वगैरह से। ओके तो दोनों फार्म्स को मिला के मेरे को टोटल ऑफ 17 ब्लॉक्स ऑफ आयरन मिले, एंड अब मैं सिर्फ AFK करने वाला हूँ फार्म्स पे अपने, क्योंकि बस वही मटेरियल्स रहते, एंड देन हम बनाएंगे अपना आईफिल टावर। ओके तो यहाँ से आयरन उठा लेते हैं, एंड ब्रो मेरी एडवांसमेंट भी रीसेट हो गई, नाइस भाई। एंड या मैंने इस वाले फार्म की ना थोड़ी सी चेस्ट वगैरह बढ़ा दिया
किए थे, एंड इसके सारे में ब्लॉक्स बना लेता सबसे पहले। ओके, तो ऑलमोस्ट एक शल्कर फुल होने वाला है मेरा ब्लॉक्स ऑफ आयरन से। ओके, तो मेरे को डेढ़ शल्कर भर के आयरन मिल गया एंड एक शल्कर मेरा भर के वहाँ मेरी मेन स्टोरेज पे भी रखा है। ओके, तो गाइस मैंने फिर से 3 RAFK किया था एंड फाइनली मेरे सारा आयरन कंप्लीट हो चुका है। तो अब मैं AFK करने वाला हूँ अपने रेड फार्म पे। ओके, तो मैं दुनिया भर के शल्कर ले आया हूँ एंड अब इनके अंदर फिल करेंगे हम एमरल्ड ब्लॉक्स, वो भी कन्वर्ट करके। तो लेट्स गो। तो गाइस मैंने फाइनली कंप्लीट कर ले 700 डेज इन दिस वर्ल्ड एंड सारे मटेरियल्स भी कलेक्ट हो चुके हैं हमारे आईफिल टावर के। वेल, मैं अपने आईफिल टावर को बनाने वाला हूँ इस जगह पे, तो बनाना स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो गाइस हमने फाइनली बना लिया पूरा आईफिल टावर एंड भाई जस्ट एक बार ही देखो इसको भाई, ये मेरे ताजमहल से कितना बड़ा है। I mean भाई सीरियसली डैम ब्रो। लेकिन भाई इसको बनाने में बहुत मेहनत लगी है एंड अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना एंड या मैं बहुत कम बोलता हूँ ये लाइन, सब्सक्राइब कर देना तो तुम कर देना बस। चलो बाय बाय।